हाँ आपने बिल्कुल जी सही बोला है कि हमारे हमारे डिपार्टमेंट ने आज एक सुबह एक वेदर वार्न एडवाइजरी कम वार्निंग जारी की है, जिसमें कि आज ओवरऑल मौसम है और रहेगा नीचे 3 तारीख चार को भी मौसम ओवरऑल रहेगा। 3 के नाइट और 4 के बीच में हल्की बर्फबारी पड़ने का इम्कान है। चंद्रगुप्त पे पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ सकता है। मैदानी इलाकों में कोई 3-4 कोई खास बर्फबारी का हैवी स्नोफॉल का कोई पेशन गोई नहीं है। हाँ, लेकिन मौसम ओवरऑल रहेगा। इसके बाद 5 तारीख को मैदानी इलाकों में भी आधा फुट तक बर्फ हो सकता है अभी के हिसाब से, और पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे के बर्फ होंगे और जम्मू रीजन में बारिश। तो ये तो रहेगा कि 6 को मौसम ओवरऑल 6-7 को ओवरऑल रहेगा, 8-9 के बीच में फिर हेवी स्नोफॉल होने का इम्कान है। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा मंडे से लेके आने वाले 4-5 दिन तक मौसम ओवरऑल ही रहेगा, इराटिक मौसम रहेगा, धूप नहीं आएंगे, बीच में खिल सकता है खास करके 6 और 7 के दरमियान। तो ओवरऑल जो है कंटिन्यूस ये हेवी स्नोफॉल नहीं है, लेकिन खास करके 5 फिर 8-9 के बीच में एक हेवी स्नो स्पेल है, लेकिन बीच बीच में हल्की बर्फबारी रहेगा। ओवरऑल हम मैदानी इलाकों में भी तकरीबन आधा फुट तक हम उम्मीद कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट कहना की क्वान्टिफाई करना की मैदानी इलाकों में 1 फीट आएगा, 2 फीट आएगा या किस टाइप का आएगा, वो इतना कहना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट स्टिल कि मैदानी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ होने का इम्कान है, पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल होंगे, जम्मू रीजन में बारिश और लद्दाख की भी खास करके कारगिल रावका रीजन में हेवी स्नोफॉल होने का इम्कान है 5 और 8-9 के बीच में। सोनम जी, जो मैंने चिट्ठी पढ़ी है उसमें चूंकि डिविजनल कमिश्नर को इन्फॉर्म किया गया इस सिलसिले में ताकि इंतजाम किए जाएं उसी तरीके से, तो उसमें यह भी लिखा है कि एयरपोर्ट पे जो है फ्लाइट्स जो है वो प्रभावित हो सकती हैं, और साथ ही अगर नेशनल हाईवे की बात करें वहाँ पर भी ट्रैफिक में खलल पड़ सकती है हैवी स्नोफॉल की वजह से, उस सिलसिले में क्या है एडवाइजरी? बिल्कुल, ये अभी ये देखो जब भी कोई बर्फबारी होते हैं या बारिश होते हैं तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे या जो भी हमारा नेशनल हाईवे से खास करके पहाड़ी इलाकों में वो एकदम बंद हो जाते हैं, और विंटर में उससे भी ज्यादा बंद होते हैं। इस विंटर में एक तो स्लिपरी कंडीशन होता है, बर्फ की वजह से फिसल भी जाते हैं, स्नोफॉल की वजह से एक तो डिस्टर्ब हो सकता है। एज फार एज फ्लाइट इज कंसर्न, 5 और 5-8-9 के बीच में फ्लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बट देन स्टिल कि होगा यस और नो में तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि फ्लाइट कैंसिल होगा, कैसे बताएंगे आप बताइए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बर्फबारी होगी तो आपने उनको एडवाइजरी जारी की है कि हो सकता है, क्योंकि प्रेडिक्शन का मतलब ही है हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी बनता है जब इस टाइप का बर्फबारी होता तो इस टाइप का सिचुएशन बनता है। और नॉट ओनली दैट, जब भी कोई बर्फबारी होते हैं तो पावर फ्लक्चुएशन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि जब भी अभी यही इन दिनों मनी ये सीजन का न्यू ईयर का और चिलाएकलान का फर्स्ट इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट हेवी स्नो स्पेल ऑफ द सीजन दिस विंटर, तो इसके लिए लोग तैयार रहे, पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड। हम तो चाहेंगे कि बर्फ हो और अच्छी बर्फ हो, लेकिन तैयारी होना बहुत जरूरी, तैयारी इन द सेंस कि आपके घर में प्रॉपर हीटिंग सिस्टम खुद तैयार करके रखना, लाइट इन केस कभी लाइट चले जाते हैं तो उसके लिए कैंडल वगैरह जो भी या लाइट का जो इंतजाम है वो अपना सबको पता है, तो ये करना ये चीज हमारे लिए नई चीज नहीं है। तो ये ऐसा इन सिचुएशन अगर ऐसा हो तो ये किसी भी जरूरी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये अक्सर देखा है जब भी हेवी स्नोफॉल होते हैं तो पहाड़ी इलाकों में जो स्नोबॉर्न एरिया में लोग रहते हैं बहुत सिविल एज वेल एज डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस, तो एवलेंस का बहुत खतरा रहता है जी। तो हालांकि एवलेंस का फोरकास्ट करना हमारा मैंडेट नहीं है, बट देन इट इज हमारा ये एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है, हमारे पास डाटा है कि 5 पिछले 9-10 साल में 162 लोगों की जाने चले गए हैं जम्मू कश्मीर।